लोग जमाने कदीम से लहसुन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सब्जी के फवाइद से तो किसी को इनकार नहीं है, लेकिन इसको अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर लोग खाने के जायकों को बेहतर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग नहर मुँह इसको कच्चा खाते हैं। लहसुन के खाने से किसी एक तरीके की पाबंदी करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप इसको बाकायदगी से कैसे इस्तेमाल कर सकते हों और इसके फ़ायदे क्या हैं और ये किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और मर्द हजरात के लिए कितना फ़ायदेमंद है। इन सब जानने के लिए हमारी वीडियो आखिर तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक कंसर्न मेडिकल हेल्थ में। लहसुन को इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं। लहसुन एक खास किस्म के कुदरती एंटीबायोटिक हैं जो कई बीमारियों से महफूज रखने में मददगार साबित होता है। लहसुन एक एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एक एंटीबायोटिक हैं। इसके अंदर सेलेनियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी और भी बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप खाली पेट लहसुन खाएंगे तो पेट में जो मौजूद बैक्टीरिया हैं ये से ख़त्म हो जाएगी, जिससे आप सेहतमंद और कई बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। लहसुन मर्दाना ताकत में इजाफा करता है। ये एक कुदरती एंटीबायोटिक है। लहसुन खून को पतला करता है, जिससे आपके खून को निज़ाम तेज होता है और इसके साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होता है और इसके साथ हार्ट अटैक की चांस भी कम होती है। ये कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है और दांत दर्द के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये एक पल्ली को पीस करके दांत पर लगाएं, 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक इसके अंदर अंदर दांत का दर्द ख़त्म हो जाएगा। लहसुन जिस्मानी वजन को कंट्रोल करता है, चर्बी को ख़त्म करता है, वज़न में कुछ दिनों में कमी करता है। अगर आपको जल की बीमारी का मसला हो तो खाने में लहसुन की मकदार बढ़ा दें। इनसे आपके जिस्म में जहरीले मादे कम होंगे और जल तरोताज़ा रहेगी। अगर खून की शरियाने बंद होने लगें तो रोज़ाना खाली पेट लहसुन का इस्तेमाल करें। बहुत जल्द आपको महसूस होगा कि आपकी तबीयत बहाल हो रही है। शुगर में इसके इस्तेमाल की जाती है और दमा के लिए इसके इस्तेमाल होती है। कब्ज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल की जाती है। लहसुन खुश्क तासीर है, ये बलगम को ख़त्म करता है। सर्दियों में इनका इस्तेमाल खांसी, नज़ला और ज़ुकाम में किया जाता है। ये अहज़ाबी कमज़ोरी का मसला हो जिन लोगों को तो उसके लिए मुफीद है। लहसुन डाइजेशन में अच्छा किरदार अदा करता है। ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी सिस्टम के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये लहसुन की कंप्लीट रिव्यू है। हम रोज़ मेडिकल मेडिसिन पर वीडियो बना रहे हैं, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं। तो आप लोग जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।